झरिया में लगातार हो रहे बालू के अवैध कारोबार पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सनमार्ग लाइव 7 ने बड़ी प्रमुखता से बालू के अवैध कारोबार पर रिपोर्ट दिखाई थी, जिसका असर भी देखने को मिला है। शनिवार को भौरा थाना क्षेत्र में खनन विभाग और सिंदरी SDPO अजित कुमार सिन्हा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप का माहौल है। झरिया विधानसभा क्षेत्र के भौरा OP अंतर्गत, जहाँ की आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले बालू माफियाओं का राज चल रहा था भौरा में, भौरा नावघाट में और सुदामडी क्षेत्रों में काफ़ी बालू का खनन तेजी धड़ल्ले से बालू माफियाओं की तरफ से दिखा जा रहा था। आज हम बता दें कि पुलिस की नकल कसने के बाद आज कुछ गाड़ियां भी पकड़ाई है और किसी लोग पे केस भी हो रहा है। बता दें आपको हम कि कुछ दिन पहले भी कुछ गाड़ियों पर केस हुई थी, वही लोग मालिक दोबारा अपनी नई गाड़ियाँ खरीद के बालू का खनन करते थे। आज सिंदरी DSP के द्वारा काफ़ी 4-5 गाड़ियां पकड़ाई गई है, जहां की बता दें हम आपको कि बालू लोड होते हुए ही रेड किया गया। रेड के दौरान करीब 4-5